हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से ये हमारी डबल चिन ख़त्म हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन, हमने करना क्या है कि आप हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद आपने इधर देखना है, फिर आपने ऐसे देखना है। ये आपने कोई 5 दफ़ा करनी है, अपने आप को पहले रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने अपना जो सा है कि कहते हैं अपने इस चीज़ को ऐसे करना है, बाहर की तरफ निकालना। फिर आपने ऐसे इसको बाहर की तरफ इसको स्ट्रेच करके अपना 5-7 दफ़ा करना कि आपको स्ट्रेच फील हो, कि आपको लगे कि यहाँ पे आपको खिंचाव पड़ रहा है। तो आपने इसको 5 दफ़ा इधर, 5 दफ़ा इधर करना। फिर आपने क्या करना है, आपने एक और एक्सरसाइज करनी है, वो होती है अपनी गर्दन को घुमाना। आपने ऐसे अपनी गर्दन को घुमाना, कितनी दफ़ा घुमाना है, 5 दफ़ा आपने अपनी इस तरह गर्दन को घुमाना। ये आपने सिंपल घुमाई है। अब आपने क्या करना है, अपनी इस चिन को खिंचाव में ला के स्ट्रेच करके ऐसे अपनी गर्दन को घुमाना है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिंपल एक्सरसाइज। आपको एक और चीज होगी जो हम कहते हैं सेल्फी के लिए पाउट बनाना है। आपने पाउट बनाना है, अब आपने वो कैसे बनाना है, ये वो आप कैमरे के सामने पाउट बनाते हैं, लेकिन ये आपने छत की तरफ देख के पाउट बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, आपने पाउट बना के अपनी इस चीज को खिंचाव में रख के ऐसे आपने करना है। कितने सेकंड तक, जितने सेकंड तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड तक आपने ऐसे ही रहना। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज से आपकी ये चिन कम हो सकती है।